news of dead people. शहर की गंदगी साफ करो, शहर में पानी दो, शहर में पानी दो, टूटी सड़के ठीक करो, भ्रष्टाचार बंद करो, देसी कमरे से बाहर करो, सड़क पे काम करो। नेता का आशीर्वाद मिला हुआ है, किसके नेता का संरक्षण मिला हुआ है कि वो इतनी मनमानी कर सकता है? हमने एक नगर पालिका का प्रधान चुना, सीधा अपने वोट की ताकत से चुना, सीधे प्रधान की कुर्सी में बिठाया, इसी उम्मीद के साथ बिठाया था कि वो मजबूती से शहर की समस्याओं का समाधान करा सकेगा, शहर के अंदर विकास कराएगा, शहर के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखेगा। लेकिन दो साल से हमारे प्रधान जी टस से मसली हो रहे, कुर्सी पर बैठे एसी की हवा खा रहे हैं, गाड़ी में दौड़ लगा रहे, इधर से उधर अपना व्यवहार बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि काम नहीं होते तो कहते हैं अधिकारी मेरी सुनते नहीं है। अरे ऐसा बेबस चेयरमैन नहीं चुना हमने, ऐसा बेबस प्रधान नहीं चुना था। आपने चुनाव के वक्त ये कहा था कि मुझ पे भरोसा कीजिए, आपकी पैरवी करूंगा, मुझसे दमदार व्यक्ति नहीं है। और आज आप बेबस होकर बैठ गए, कुर्सी पकड़कर बैठ गए। एक छोटा सा अधिकारी जो सचिव है आपके यहाँ, जो कोई इंजीनियर आपके यहाँ, उसको कहते हैं वो आपकी बात नहीं सुनता, क्या मजाल है? अगर आपके बस की बात नहीं हो तो कुर्सी छोड़ दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम बताते हैं कौन सा अधिकारी ये बात नहीं सुनता। ये ताकत हम रखते हैं, अगर आपके बस की बात नहीं है तो कुर्सी छोड़ो, हमारे साथ खड़े हो। प्रधान जी काम करो, काम करो, काम करो, आराम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, काम नहीं तो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधान जी काम करो, काम करो, काम करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधान जी काम करो, काम करो, काम करो, अरे काम नहीं तो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, शहर की सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, शहर की गंदगी साफ करो, साफ करो, साफ करो। प्रधान जी काम करो, काम करो, काम करो, आराम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप हमारे बीच में आएंगे जिस उम्मीद के साथ हमने आपको वोट किया था, इस शहर ने आपको बहुमत दिया था, इस शहर के लोगों ने आपको प्यार दिया था, आज दो साल पूरे हो गए, आप लगातार आराम कर रहे हैं या फिर बेबसी जाहिर कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज दो साल कम नहीं होते, पांच में से दो मतलब 40% समय आपने शहरवासियों का खत्म कर दिया। अगर कोई नेता है जो आपको काम नहीं करने दे रहा, हमें बताओ। अगर कोई अधिकारी है जो मनमानी कर रहा है, जो कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है, जो नौकरी का दुरुपयोग कर रहा है, आपकी नाक के नीचे ये प्रयास कर रहा है कि महेंद्रगढ़ की जनता को लूटे, लोगों से गैर कानूनी तरीके से वसूली करे, लोगों से काम ना करे, तो ऐसे अधिकारी को हमारे सामने लाओ, हम देखते हैं कौन है ये ताकतवर, कौन है ये मनमान निकलने वाला व्यक्ति। लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, अब आपको महेंद्रगढ़ के काम करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करते तो इस्तीफा देना पड़ेगा। हम सीधे तौर पे आपसे एक बात कह रहे हैं, आपको कुर्सी का अगर लालच है तो आप कुर्सी पर बने रहे, लेकिन अगर ये चुनाव आपने जनता के लिए लड़ा था, अपने शहर के लिए लड़ा था, तो फिर सामने आकर जवाब दे, फिर इस तरह छुपकर नहीं बैठना। ये वक्त अपने लोगों को वोट का जवाब देने का, हिसाब देने का है। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं रमेश सैनी जी से, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, अगर बैर होता तो ये शहर आपको वोट नहीं देता,
ना हम आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए हमने हजारों हजारों वोट आपको दिए, नगर पालिका का प्रधान बनाया। ये तो 2 साल में जो आप नाकाम रह गए, 2 साल से आप एक भी कदम नहीं चले, उसका हिसाब मांगने आए, उसका जवाब मांगने आए हैं। और मुझे लगता है ये हमारा हक है, आपको जवाब देना चाहिए, आपको ये अधिकार हमारा लौटाना चाहिए। क्यों नहीं काम होते, क्यों नहीं काम कर रहे? ये जनता आपका फिर साथ देगी अगर ये लड़ाई लड़नी है, कोई मनमानी कर रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो। रमेश सैनी जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रमेश सैनी जी काम करो, काम करो, काम करो, आराम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधान जी काम करो, काम करो, काम करो। वोट का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। काम से जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। टूटी सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। शहर की गंदगी साफ करो, साफ करो, साफ करो। भ्रष्टाचार बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधान जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नगर पालिका जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वोट का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। काम से जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एसी कमरे से बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। मिलन नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी जी हमारे बीच में आए हैं। प्रधान जी हम लोग आज आपके पास एक फरियाद ये लेकर आए कि पिछले 2 साल में नगर पालिका से जो उम्मीद की थी, जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था, जिस उम्मीद के साथ आपका साथ दिया था, जिस उम्मीद के साथ इस शहर की जनता ने आपको ताज पहनाया था, 2 साल बीत गए, जो जनता की उम्मीद थी उस पर आपकी तरफ से, आपकी नगर पालिका की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। आज शहर की सड़कें जर्जर हालत में पड़ी है, शहर में धूल उड़ रही है, शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहा, कोई गाड़ी कूड़ा उठाने नहीं पहुंच पा रही। हमने सुना आपके पास स्ट्रीट लाइट आके रखी हुई है 2300-2400 पता नहीं कितनी, लेकिन वो किस गोडाउन में रखी है, कहां उजाला कर रही है, शहर आपका आज भी अंधेरे में जी रहा है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है और अपनी जिम्मेदारी मुझे लगता है समझते भी है, लेकिन 2 साल और 700 दिन से ज्यादा दिन बीत गए, कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई नेता आपको परेशान कर रहा है, कोई नेता आप पर दबाव बना रहा है, तो सारी की सारी महेंद्रगढ़ की जनता खड़ी है, आप जवाब दो, आप ये बात अपनी सामने रख दो कि हाँ ये परेशानी है, हम आपका साथ देंगे। कोई अधिकारी है जो मनमानी कर रहा है, जो लूट मचा रहा है, लोग रोज शिकायत कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे यहां अधिकारी लोगों के आम कामों के लिए पैसा वसूल रहे हैं। एनडीसी एक नो ड्यू सर्टिफिकेट कोई लेने आता है तो उसे चक्कर कटा दिए जाते हैं, और इतने चक्कर कटाए जाते हैं कि वो मजबूर होकर अपनी जेब में हाथ डाले। लाखों की वसूली की जा रही है, कितने लोग तो अपनी फरियाद वापस लेके अपने घर बैठ के थक हार के। प्रधान जी ये शर्म की बात है कि हमारे होते हुए, आपके होते हुए इस शहर के लोगों को ये समस्या देखनी पड़ रही है। यहाँ के नेता तो पहले ही ऐसे थे, 45 साल से रामविलास शर्मा जी और राव दान सिंह जी पे बार बार हम सब ने भरोसा किया है, उनसे तो हम परेशान थे ही। इस बार ये अवसर मिला था कि सीधे चेयरमैन का चुनाव हो रहा है और शहरवासी तो कम से कम सुखद जीवन बिता सकेंगे, आपके अंदर वो ताकत भरी वोटों की ताकत से आपको भी बेबस किसने कर रखा है और क्यों बेबस है, ये आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। रामविलास शर्मा जी ने आपको पटका पहनाया, जनता से अपील की, ये दोष उनको भी जाता है कि भाई आपने जब अपील की थी तो आज खड़े क्यों नहीं होते, रमेश जी को मजबूत क्यों नहीं करते, कहां कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन आज तक रामविलास शर्मा जी लौट के नहीं आ रहे। इस शहर में जो विधायक बनाए रावदान सिंह जी, उनका कुछ पता नहीं, वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, आज तक नगर पालिका में उनका कदम नहीं रखा, वो एक बार भी यहां नहीं आए जनता के लिए, जनता की बात करने के लिए। एक कोई अधिकारी मनमानी कर रहा है,
आपको भी परेशान कर रहा है, हमें भी, क्योंकि मैंने सुना है आपने कई बार अपना वक्तव्य रखा है मीडिया के सामने, उसमें आपने ये बात रखी है कि अधिकारी मेरी सुनते नहीं है। तो ऐसा कौन सा अधिकारी है हमें बताइए, जनता से बड़ा है क्या अधिकारी? जनता से बड़ा होता है तो आप बताइए। मैं रमेश सैनी जी को माइक दे रहा हूँ, सभी साथी आज सैनी साहब से उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत जवाब और आगे की रणनीति सैनी साहब देंगे। मनीष जी और शहर के जो गणमान्य लोग यहाँ पहुंचे हैं और सभी पत्रकार मीडिया के माध्यम से, मैं आप सभी को शहर के विकास के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर शहर के लगभग आप जो स्ट्रीट लाइट है वो लग जाएगी, शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं उन पे काम चल रहा है, जल्दी उनके ऊपर टेंडर लगाने की प्रक्रिया जारी है। डोर टू डोर का जो हमारी सफाई व्यवस्था है, क्योंकि पहले एजेंसी काम करती थी, वो एजेंसी हमारे यहाँ से चली गई, टेंडर नया लग नहीं पाया था, और अब आचार संहिता के बाद हमने उन कामों की तेजी लाई है, तो हमारा डोर टू डोर का भी टेंडर अब लग जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा, और लगभग जितने भी काम है हमारे शहर के अंदर जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द उन पर काम करके 2 महीने के अंदर अंदर शहर की जनता को परेशान से निजात दिलाया जाएगा। हम आपको इस ठीक है, धन्यवाद। प्रधान जी जवाब तो दे दो, प्रधान जी बताओ कुछ हो तो आश्वासन देना चाहते हैं मेरे साथ सभी। ये शहर 50 साल से ले रहे जी पिछला, नहीं बिल्कुल सही बात है, पिछले 50 साल से आश्वासन नहीं। प्रधान जी जनता के अंदर बहुत गुस्सा है, आप जानते हैं शहर का निवासी 2 साल पहले हमने भी आश्वासन दिया, लंबे अरसे से इस व्यवस्था को भुगत रहा है, इस गलत व्यवस्था का शिकार हो रहा है। अगर आप ये आज बात कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जो भी लंबित कार्य है या जो काम शुरू नहीं कर पाए या जो 2 साल में नहीं कर पाए वो कर देंगे, हम आप पर अगर विश्वास करते हैं तो आपको मैं एक और बात याद दिला देता हूं कि 2 महीने बाद आचार संहिता भी आ रही है, चुनाव आ जाएगा, आपको हो सकता है मजबूरियों का फिर सामना करना पड़े। आप कहेंगे कि चुनाव आ गया, मैं मजबूर हूं, चुनाव के चलते काम नहीं हो रहा, तो अगर इसमें कोई भी बात ऐसी हो, क्योंकि अगली बार देखो प्रधान जी आज आश्वासन अगर आप दे रहे तो पूरी जिम्मेदारी से देना, अगली बार अगर हम आएंगे तो आपको अपने साथ ही ले जाएंगे, फिर आपसे उम्मीद करेंगे कि इस्तीफा आप दे देंगे, टेबल पे रख के हमारे साथ चलेंगे, आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम कर नहीं पाया तो मैं आप लोगों के साथ लूंगा। चलो जी धन्यवाद, चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में हैं। आज इन्होंने जो है घेराव किया नगर पालिका का पूरे शहर से, रोष प्रदर्शन व्यक्त करते हुए और इस्तीफे तक की मांग जो है नगर पालिका के चेयरमैन से कर दी, नगर पालिका के चेयरमैन से भी बातचीत हुई जनता के बीच में ही, क्या कुछ उन्होंने कहा वो बातचीत करते, डॉक्टर साहब क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ कहा गया? देखिए नगर पालिका चेयरमैन ने ये कहा कि मैं मानता हूँ कि 2 साल में और 700 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं हमारी नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए और पदभार संभाले हुए, अब 2 महीने का वक्त और उन्होंने कहा है कि मुझे दीजिए, जनता के हक के लिए, जनता की ज़रूरतों के लिए इस 2 महीने में अगर मैं पूरा नहीं उतरता हूं और काम नहीं कर पाता हूं, नगर पालिका से संतुष्ट नहीं कर पाता हूं शहर की जनता को, तो 2 महीने के बाद मैं अपना इस्तीफा पेश कर दूंगा और आपके साथ चलूंगा और हक की लड़ाई लड़ूंगा। यानी खुद इस्तीफे की बात उन्होंने, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने काम नहीं किया या काम नहीं कर पाए, किन कारणों से नहीं कर पाए ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि अंतिम प्रयास जरूर करना चाहता हूँ कि 2 महीने में जो भी जनता की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ऐसी मुख्य समस्या है जिसको लेकर आपको सड़क पर उतरना पड़ा, आपने खून पसीना एक कर? देखिए 700 से ज़्यादा दिन बीत गए, शहर के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, सड़क पर निकलते हैं तो सड़क नहीं है, आप देखोगे शहर की तो एक एक सड़क गड्ढे, सारी जगह गड्ढे पड़े हैं, धूल उड़ती है बाजार के अंदर, व्यापारियों की दुकानों में धूल जम रही है, लोगों की आंखों में धूल जा रही है, शहर में जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हैं, आप कदम नहीं रख सकते, पैंचा उठाकर शहर में चलना पड़ रहा है, लोग कूड़ा उठाने की व्यवस्था नगर पालिका को करनी चाहिए वो नहीं हो रही, शहर को उम्मीद थी कि विकास होगा, शहर का सौंदर्यकरण होगा, शहर में नई सुविधाएं होंगी, कहीं कोई पार्क बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, लेकिन एक भी काम शहर के लिए नगर पालिका अभी तक नहीं कर पाई इन 700 दिनों में। हमने देखा 5 साल में से अगर 2 साल का वक्त निकल गया है, अगर हम चुप रहेंगे बैठे रहेंगे तो ये बाकी के 3 साल भी निकल जाएंगे, क्योंकि जो नेता थे
वो तो पहले ही काम नहीं कर रहे थे। 45 साल से ये जनता वो तो भुगत ही रही है कि हमारे नेता बारी बारी चुने जाते हैं और जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। एक बार भी नगर पालिका के मुद्दे पर रामविलास शर्मा जी खड़े नहीं हुए, एक बार भी नगर पालिका के मुद्दे पर हमारे वर्तमान के विधायक, लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया, फिर से वोट की अपील कर ली, लेकिन जनता की बात नहीं करनी, काम की बात नहीं करनी, शहरवासियों की बात नहीं करनी, गाँववासियों की बात नहीं करनी। इनसे परेशान जनता ने उम्मीद की थी कि शायद सीधा प्रधान चुन रहे हैं, शहर की सरकार चुन रहे हैं, काम करेगी। अब शहर की सरकार भी 2 साल से ठप पड़ी है, तो अब मजबूरन सड़क पर उतरकर ये संघर्ष करना पड़ा। नगर पालिका के प्रधान जी से हमने इस्तीफा भी मांगा, वो कहते हैं कि एक अंतिम प्रयास करेंगे, 2 महीने में अगर जनता के इरादों पर, जनता की जरूरतों पर खरा नहीं उतरे तो आपके साथ इस्तीफा देकर चलेंगे। ऐसा तो नहीं, बजट ना, बजट तो है, पिछले 5 साल भी बजट था लेकिन लगा नहीं, अब की बार भी सरकार तो कहती है कि हमने खुला बजट दे रखा है। रामविलास शर्मा जी ने पटका पहनाकर रमेश सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, जनता के बीच में वोट की अपील की, इन्होंने चुनाव लड़ा। अब ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आज के चेयरमैन हैं, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ के जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के। जब ट्रिपल इंजन लगा हुआ है तो बजट की कहाँ कमी है? हरियाणा पे तो पहले 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, महेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए थोड़ा कर्जा और ले लो, बजट की कहाँ कमी है? इरादे की कमी है या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र है जो महेंद्रगढ़ के लोगों को काम से वंचित रखा जा रहा है, जरूरतों से वंचित रखा जा रहा है, सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है? आप सड़कों पे उतर चुके तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं बदलाव लेकर ही माने? बिल्कुल, हम जब तक ये 2 महीने का वक्त मांगा, अगर इसमें काम शुरू नहीं होता तो फिर से संघर्ष होगा। और मैंने सैनी साहब को ये कहा है, सबके बीच में कहा है कि सैनी साहब अगर 2 महीने के बाद भी आप हमें संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर आपका इस्तीफा टेबल पे आपको रखना होगा, हमारे साथ चलना होगा। धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर मनीष यादव बातचीत में थे और कहीं ना कहीं अब जो है कह दिया है कि 2 महीने का समय दिया गया, 2 महीने के बाद जो है अगर काम नहीं होते हैं तो चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ेगा। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय।